हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे एसी थ्रू आरएल सर्किट। अगर आप एक न्यू यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे बाकी के वीडियोस को ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। सो स्टार्ट करते हैं। मेरा मान लीजिए एक आरएल सर्किट है जिसमें VR है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड VL है मेरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस। नाउ आपको करना क्या है इस टॉपिक में, सबसे पहले आपको बेसिक एक्सप्रेशन समझने हैं कि किस तरह से होते हैं, वेव फॉर्म समझनी है, देन उसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनेगा इस सर्किट का ये भी समझना है, और आपको बेसिक बहुत छोटे छोटे इजी इजी फॉर्मूलेज हैं वो किस तरह से एक्सप्रेशन से आए हैं वो आपको बस देखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि रेजिस्टिव सर्किट में कोई लीड और लैग की कोई भी चक्कर नहीं होता है, बट इंडक्टिव सर्किट में आपका जो होता है करंट वो हमेशा लैग करता है बिहाइंड वोल्टेज। अगर मैं प्योर सर्किट की बात करूं इंडक्टिव तो वो पाई बाय टू रहता है, ये प्योर नहीं है तो यहां पर कुछ फेज एंगल फाई रहेगा जिससे वो लैग करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी वेवफॉर्म्स बना लेता हूं किस तरह से यहां से करंट जाएगा। सो वोल्टेज मेरा नॉर्मल चला गया Vm साइन ओमेगा टी है वोल्टेज ना। जो मेरा करंट की वेव है, क्योंकि करंट लैग कर रहा है तो थोड़ा लेट शुरू होगा और कुछ इस तरह चला जाएगा। ये मेरा फेज फाइ मैं ले लेता हूं जितना लैग ये कर रहा है करंट, और इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बिकॉज ये लैग कर रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, फेजर बना के देख लेता हूं। फेजर के लिए कुछ नहीं, मैं देखूंगा यहां पर एक एक्सिस पे मैं वी एल ले लेता हूं इंडक्टर, और यहां पर ये मेरा वी आर है बिकॉज करंट मेरा लैग कर रहा है तो करंट इस एक्सिस पे आएगा और वोल्टेज इधर ही एक्सिस पे ऊपर ही रहेगी, इस एक्सिस पे नहीं रहेगी। करंट तो मेरा इधर हो गया, वोल्टेज मेरी साइन ओमेगा टी, या फिर मैं इसको ऐसे लू तो लैग कर रहा है, ये पीछे जा रहा है ना, तो ये फाइल लैग कर रहा है। सो इस सिचुएशन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये मेरी अगर वोल्टेज है तो ये इस तरह से करंट थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, तो उसी चीज को मैंने इसको थोड़ा टिल्ट करके आपके लिए बना दिया है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपने ये सब पीछे फेजर समझे होंगे तो आपके लिए बहुत बेसिक रहेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी है तो नॉर्मल वी की ऐसे चली जाएगी, आई का फेजर बनेगा क्योंकि नेगेटिव फाइ है, तो अगर पॉजिटिव होता तो मैं एंटी क्लॉक जाता, नेगेटिव है तो मैं क्लॉकवाइज जाके ये मैंने बना लिया। इसी चीज को मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं तो आई मेरा ये आ गया, वी मेरा ये आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नाउ ये मेरा फेज है। अब जो मेरी ये वोल्टेज है वो एक तरह से इसका और इसका जो रिजल्टेंट है उससे आ जाएगी, जो कि है मेरा वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू माई का होल स्क्वायर। आई को मैं कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो ये हो गया, और ये मेरा इंपीडेंस हो जाता है सेट। दिस इज कॉल्ड माई इंपीडेंस। सो ये मेरा वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। देन अगर मुझे ये जो फेज है ये निकालना है,
फाई कितना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, अगर मैं देखूं 10 फाई, यहां पर देखूं अगर 10 फाई क्या आएगा, वो आएगा वी एल बाय वी आर। वी एल क्या है मेरा, आई एक्स एल है, एंड ये है आई आर, करंट टू करंट कैंसिल, तो ये एक्स एल बाय आर। तो अगर मुझे खाली ये फाई चाहिए तो वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल बाय आर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट मेरा है पावर फैक्टर। जो कि है कॉस फाई होता है और इसका होता है आर बाय सेट फॉर्मूला। ये आपको सीधा याद करना है। देन अगर मेरे से पावर पूछी जाए, वो होती है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाई। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में किस तरह से चीजें निकालनी है वो सिखाऊंगा। बाकी जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो सिर्फ इतने ही हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने काफी चीजें ले ली हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि सारी चीजें कवर करूं जो भी वो पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में से। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें ले ली हैं ताकि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो कभी एक चीज पूछ लेगा, कभी कोई दूसरी चीज पूछ लेगा। मैंने यहाँ पर सारी चीजें लेके उनको सॉल्व करूंगा ताकि एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो आप समझ सकें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 ओम का रजिस्टर है, कनेक्टेड है टू अ 10 मिली हेनरी इंडक्टर अक्रॉस 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स वोल्टेज सोर्स। मतलब कुछ इस तरह है। ये मेरे को 4 ओम का दिया हुआ है। सप्लाई मेरी, अभी मुझे निकालना है इनपुट करंट, वोल्टेज ड्रॉप और ये बाकी की चीजें सारी निकालनी है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। इसको मैं चेंज कर लेता हूं एनवी में। नाउ मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल अपना चेक कर लेता हूं कितना है। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल दे रखा है जो भी, क्योंकि मुझे अभी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप में। तो वो आएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट मेरी 50 हर्ट्स दे रखी है, L -3 दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू 3.142 ओम्स। नाउ मैंने आपको बताया था कि सर्किट का इंपीडेंस Z वो होता है यही आपका सबसे पहला एक्सप्रेशन मैंने करके आपको दिखाया था। सो बेसिकली जब मुझे इनपुट करंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, वोल्टेज होता है V इक्वल टू आया। नाउ पूरा सर्किट में 100 वोल्ट फ्लो कर रहा है मेरे को पता है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, मतलब कहूं या तो इंपीडेंस, ये मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं ये निकाल लूं तो मैं बड़ी आसानी से इनपुट करंट निकाल सकता हूं। तो वही चीज मैं यहां पर लगाऊंगा, इसीलिए मैंने इतना करके ये रेजिस्टेंस, मतलब पूरे जो सर्किट का इंपीडेंस है, वो निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं। So, अब इसी तरीके से जाके करंट मेरा हो गया सप्लाई वोल्टेज पाय सेड, वो
वोल्टेज है मेरी 100, जेड मेरा है 5.086, तो मेरा आ गया आंसर 9.66 एम्पियर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। मुझे पहले इम्पीडेंस चाहिए था जिसके लिए XL की जरूरत पड़ेगी और रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस है बट XL निकालने के लिए मेरे को उसका फॉर्मूला 2 जो होता है ओमेगा L होता है, आपको याद होगा। तो वो कुछ नहीं, मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया 2πfL। फ्रीक्वेंसी मैंने यूज कर ली 50 Hz क्योंकि मेरे को दे रखी है सर्किट में। L मैंने यूज किया और निकाला। उसके बाद मैंने उसको डिवाइड करके VIR फॉर्मूले में रख के और अपना इनपुट करंट निकाल लिया है। इसके आगे मेरे को बाकी के क्वेश्चन और करने हैं, वो देखता हूं। सो अगली चीज मुझे पता लगानी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो मतलब ये अक्रॉस रेजिस्टर कितना होगा या फिर अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप। इसके लिए काफी सिंपल है। करंट मैं अभी निकाल के आया हूं। तो ये हो जाएगा IR दैट विल बी इक्वल टू 19.66 इनटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 78. और VL भी काफी सिंपल रहेगा IXL 19.66। XL में पीछे निकाल ही चुका हूं, मेरी वैल्यू आई थी 3.14 टू 61.77 वोल्ट मेरा आ गया। सो अगर आपसे डायरेक्ट भी वोल्टेज ड्रॉप पूछता है तो आपको पहले जाके इनपुट करंट वाला वो पूरा निकालना पड़ेगा, तब डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इसने पूछा है थर्ड पार्ट में पावर फैक्टर, जो कि हमारा होता है R by Z। मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था, तो यहां पर तो मेरे पास सिंपल वैल्यूज सारी हैं। तो उनको 0.786 आ गया पावर फैक्टर। नाउ पावर कंज्यूम्ड पूछा है। पावर कंज्यूम्ड मेरी आएगी, मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था वी आई कॉस फाई। पावर फैक्टर मेरा कॉस फाई ही होता है, तो वो सीधा यूज करूंगा। वोल्टेज 100, करंट 19.66 इंटू 0.786, ये सीधा मेरे को वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।